तो दोस्तों, पवनदीप और अरुणिता के जजेस बनने की खबर YouTube पर जब मैंने आपको दिया तो आप सब काफी सारे सवाल हमसे पूछ रहे थे, जिसका जवाब तो उस टाइम मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने ऑफिशियल्स से बात किया, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी लिया जो आप सब सुन के क्या खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको ये दिखाया था कि शो की जजेस यानी कि आरुदीप ने क्या बताया, लेकिन दोबारा एक और वीडियो लेकर आने का मेरा यही मकसद था कि आप तक मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो मैंने ऑफिशियल्स से बात करके लिया है। जी हाँ, तो आप सब भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़ कर कहीं मत जाइएगा। और हाँ, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल क्रेजी फोर टून्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस शो के बारे में बता देता हूँ। दरअसल ये एक सिंगिंग कंपटीशन इवेंट है जो P2P इवेंट्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तीन जजेस रहेंगे जो आपको पता ही होगा, हमारे रॉक स्टार पवनदीप, हमारी मेलोडी क्वीन अरुणिता और मंगल मिश्रा। तो ये तीन जजेस शो को जज करेंगे और इस शो में सिर्फ यूपी और उत्तराखंड के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस शो की विनर को क्या मिलने वाले हैं। तो इस शो की विनर को पूरे 1,00,000 रुपए के साथ विनर ट्रॉफी और मेडल दिया जाएगा। जी हाँ, और फर्स्ट रनर अप को मिलेंगे 51,000 के साथ मेडल और सेकंड रनर अप को मिलेंगे 30,000 में साथ एक मेडल, साथ ही सेमी फाइनलिस्ट को मेडल दिया जाएगा। वेल दोस्तों, ये तो बात हुआ विनर्स की, अब मैं आपको बता देता हूँ इस सुरों के चमकते सितारे शो का ऑडिशन कब और कहाँ होने वाली है। जी हाँ, ये अपडेट सिर्फ मेरे पास ही सबसे पहले आया क्योंकि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद उनके ऑफिशियल से लिया। तो आपको बता देता हूँ, शो का पहला ऑडिशन 15 सितंबर संडे के दिन देहरादून में होने वाली है। जी हाँ, वैसे इस शो के ऑडिशन काफी दिन तक रहने वाली है, तो मैं आपको सभी जगह का लिस्ट दिखा देता हूँ कि कब और कहाँ कहाँ ऑडिशन होने वाली है। आप सब लिस्ट देख के चले जाना ऑडिशन देने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आरुदीप का ये शो क्या टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा या नहीं। दरअसल P2P का ये इवेंट सोशल मीडिया पर ही दिखाया जाएगा। जी हाँ, मैंने उनसे पूछा, लेकिन अभी वो लोग भी नहीं बता रहे कि ये शो टीवी पर दिखाया जाएगा या नहीं। फिलहाल तो बस रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। इसके बारे में अगर मेरे पास और भी अपडेट आए तो आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल तो आप सब मन के चलिए कि उनका ये शो बस सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ और एक अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।